नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। चित्रंकी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत शिवपुरवा में सरपंच पद के प्रत्याशी लालता प्रसाद बैस ने ग्राम विकास के मुद्दे पर अपने लिए मतदान की अपील की है, जिससे युवा वर्ग का उनके प्रति समर्थन दिख रहा है। हमारे बीच में ग्राम पंचायत शिवपुरवा के सरपंच पद हेतु प्रत्याशी लालता प्रसाद बैस जी हैं, जो कि पूर्व में जनपद सदस्य भी रह चुके हैं और राजनैतिक खासा अनुभव है। आइए इनसे जानते हैं कि ये सरपंच पद के अभ्यर्थी बने हुए हैं और इनका मुद्दा क्या है होगा, बताइए भाई। सबसे पहले तो रजनीश भाई, आपको यहाँ जनता की आवाज़ उठाने के लिए अपना अमूल्य समय दिए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारी सोच और हमारी प्राथमिकताएं, जैसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है कि हमारा देश स्वच्छ हो, उसी तर्ज में हमारी पहली सोच है कि जो हमारे गांव में कूड़े करकट तमाम सड़कों पे पड़े रहते हैं, पहला कि 100-100 मीटर के दूरी पे स्वच्छ बनाने के लिए अपने गांव को एक हर जगह व्यवस्था करेंगे, जिससे कूड़ा अपने गांव के लोग उस कूड़ेदान में डालें और उसको हम ले जाके कहीं एकत्रित करके आग लगवा दें। और दूसरी बात, यहाँ नाली की समस्याएं हैं। हमारा गांव दोनों तरफ एकदम बसा है रोड के किनारे, किंतु नाली के अभाव में पानी घर में किसी के चला जाता है, लोग बरसात में परेशान रहते हैं। हमारी प्रथम प्राथमिकताएँ रहेगी कि हम जैसे ही हमको आशीर्वाद अगर जनता का मिलता है तो हम नाली की व्यवस्था तत्काल कराने का प्रयास करेंगे जी। तीसरी बात, हमारे जैसे हमारे केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी की सोच है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का सोच है कि सबसे पीछे के पंक्ति में बैठे गरीब दीन दुखियों की सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है, उसी तर्ज पे हम भी प्रयास करेंगे कि पहले गरीबों को जो भी हमारी शासन की प्रदेश सरकार की केंद्र सरकार की योजनाएं हो उस योजना को गरीबों तक पहुंचाएं जी। और चौथी बात, छोटे छोटे कामों के लिए जैसे समग्र आईडी में नाम जुड़वाने की बात होती है, आधार कार्ड सुधरवाने की बात होती है, लोग दिन भर जा करके चितरंगी में चक्कर लगाते हैं फिर भी उनका सुधर नहीं पाता है, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो पंचायत भवन में एक बढ़िया इलेक्ट्रीशियन की व्यवस्था करा के यहाँ ही लैपटॉप रहेगा और उनका छोटा मोटा काम हम पंचायत भवन में ही निपटाने का प्रयास करेंगे। ये सब हमारे सोच में है। और जहाँ हमारा ये गांव कृषि प्रधान देश हमारा ही है और हमारे गांव में भी किसान 90% लोग यहाँ निवास करते हैं, तो हमारी सोच है कि अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो हर क्षेत्र में प्रयास करेंगे ट्यूबवेल की व्यवस्था, कम से कम 500-500 मीटर 1-1000 मीटर की दूरी पर ट्यूबवेल की व्यवस्था हो, जिससे लोग अपनी सिंचाई की व्यवस्था समुचित। शिवपुरवा के सब ये वरिष्ठ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये सरपंच का चुनाव किस मुद्दे पे करेंगे, किस विकास कार्य के क्षेत्र में करेंगे, बताइए। आपका नाम क्या है? बाला प्रसाद। आप जो सरपंच प्रतिनिधि चुनेंगे उसमें आपका मुद्दा क्या होगा? उसमें मुद्दा होगा विकास का। विकास का, विकास में कौन कौन सी कड़ी हैं आपकी? विकास में जैसे है रोड है, अब यहाँ देख रहे हैं ना गाँव की नाली कैसी पड़ी है, इसका पैसा भी निकल चुका होगा। अच्छा। हाँ, तो सबसे प्रथम तो नाली का वो हो, पानी का सुविधा हो। हाँ, कृषि क्षेत्र। हाँ, कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए हित का हो, मेड़बंधान है जैसे। हाँ, बंधा है, तालाब है, तालाब है, यही विकास। ठीक। आपका नाम क्या है? तेजबली। तेजबली, आपका मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? वोट करेंगे, हमको फायदा हो सब जनता के लिए, रक्षा करें, हम कुआ दे, तालाब दे, भीटा दे, ये जो कटरा क्यारी है पानी का सुविधा दे, और जिंदा लाभ है वो सब हम लोगों को दे। क्यों भाई साहब, क्या नाम होगा? अर्जुन सिंह भाई। क्या है आपका मुद्दा? विकास का मुद्दा, जितने सरकार द्वारा योजना चलाई गई है अच्छे ढंग से मिले। हाँ, यही मेन मुद्दा। धन्यवाद। गरीबों को धन्यवाद।
आज हम एक ग्राम पंचायत सिपुरवा में हैं जो यहाँ पे सरपंच पद के लिए चुनाव चल रहा है। इसमें कई प्रत्याशी खड़े हैं जिसमें यहाँ के सब ग्रामीण युवा हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये किस मुद्दे पे अपना चुनाव करेंगे और कैसा सरपंच होगा। क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, सुधाकर सिंह बैस नाम है मेरा। हाँ, तो आप जो अपना सरपंच पद के लिए मत डालेंगे, आपका मुद्दा क्या होगा? जी, हमारा मुद्दा यही होगा कि जो सरपंच प्रत्याशी हैं यहाँ पे, हाँ, जो भी चुना जाएगा, हाँ, वो गांव के युवाओं को लेकर रोजगार के बारे में जोड़े, जी, रोजगार के बारे में ध्यान दे। और जो हमारे गांव में विशेष समस्या है पानी की, हाँ, तालाब जो है उसमें पानी नहीं जा रहा है, तो गांव के युवाओं का यही मत है कि मतलब जो भी इस बार प्रत्याशी जीते, हाँ, वो PCC नाली बनवा दे यहाँ पे, और ताकि यहाँ का पानी, हाँ, तालाब में जा सके और मवेशी उसको, हाँ, पी सके, जल का वो जो है संरक्षण हो, संरक्षण हो सके। हाँ। बहुत सही भाई साहब, गुड। क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? ये उमा शंकर नाम है। आप जो है सरपंच पद के लिए किस मुद्दे पे वोट करेंगे? जो हमारे गांव का मुद्दा है, गांव का समुचित विकास को लेकर, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सबको देखते हुए हम लोग इस बार वोट करेंगे गांव को। तो विकास के और क्या मुद्दे हैं? बस समुचित में क्या क्या हो सकता है? विकास के मुद्दे जैसे गली गली में सड़क बनवाना, हाँ, नालियां बनवाना, हाँ, है ना, सामुदायिक स्तर पे बिल्डिंग बनवाना, तमाम प्रकार के ऐसे विकास के मुद्दे हैं। क्या होगा? ग्राम सुरक्षा के। हाँ, आपका क्या मुद्दा होगा सरपंच पद के लिए? हमारा ये मुद्दा है सर जी के यहाँ बिजली पानी लाइट, गांव का विकास होना चाहिए जी, और गरीबों का जिसका आवास नहीं बना है उसका बना चाहिए, हाँ, और यही सरपंच चुनेंगे सर। हाँ, धन्यवाद। चित्रंगी से खबर समय जगत के लिए रजनीश साहू की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।